कि यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर के संदेश पर विश्वास करेंगे, तो हम हमारे जीवन में चमत्कारी कार्य को होते हुए देखेंगे। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 8 से आगे में पढ़ते हैं कि नबी जखरियस पुरोहितों के रिवाज के अनुसार प्रभु के मंदिर के बलिवेदी के सामने धूप चढ़ाकर प्रभु की पूजा अर्चना करने के लिए चुने जाते हैं। जब नबी जखरियस प्रभु के मंदिर में वेदी के सामने धूप जलाकर पूजा करते हैं, उस वक्त स्वर्गदूत गब्रेल प्रकट होता है और नबी जखरियस को यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म का संदेश सुनाता है और नबी जखरियस से स्वर्गदूत यह भी कहता है कि वह उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। इस पर नबी जखरियस स्वर्गदूत पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और यह कहते हैं कि मैं यह सब कैसे विश्वास करूं? प्रभु की आज्ञा नबी जखरियस के लिए यह थी कि वह स्वर्गदूत के इस संदेश पर विश्वास करे, लेकिन नबी जखरियस इस संदेश पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उसी वक्त से नबी जखरियस गूंगा हो जाते हैं और जब नबी जखरियस प्रभु के इस संदेश पर विश्वास करते हैं कि वे यूहन्ना बपतिस्ता के पिता बनेंगे और जब नबी जखरियस प्रभु के इस संदेश पर विश्वास करते हैं तो वह उसके जीवन में चमत्कारी कार्य को होते हुए देखते हैं। और यह घटना उस वक्त नबी जखरियस के जीवन में घटित होती है जब लोग यूहन्ना बपतिस्ता का नाम उसके पिता जखरियस के नाम पर देना चाहते हैं। उस वक्त प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हुए, प्रभु के आज्ञाओं और संदेश पर विश्वास करते हुए नबी जखरियस लोगों को यूहन्ना बपतिस्ता का नाम यूहन्ना लिख करके वे बतलाते हैं। और यह जो चमत्कारी कार्य है जिसे नबी जखरियस महसूस करते हैं, वह न केवल नबी जखरियस के जीवन और एलिजाबेथ के जीवन में खुशियों को लाता है, बल्कि यह चमत्कारी कार्य को देख करके लोगों में भी खुशियाँ छा जाती है और इसकी चर्चा अलग अलग गांव में फैल जाती है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सबों ने हमारे जीवन में यह सवाल जरूर पूछा होगा कि मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा, मेरे जीवन में ईश्वर द्वारा चमत्कारी कार्य क्यों नहीं होती है? मैं चमत्कारी कार्य को क्यों महसूस नहीं करता हूँ? आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें इन सवालों का जवाब देते हैं कि यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर के संदेश पर विश्वास करेंगे, तो हम हमारे जीवन में चमत्कारी कार्य को होते हुए देखेंगे, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हुए हम महसूस करेंगे, ईश्वर की आशीष को हम हमारे हृदय में महसूस करेंगे। इसलिए यदि हम हमारे जीवन में ईश्वर के चमत्कारी कार्य को देखना चाहते हैं, ईश्वर की खुशी को महसूस करना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और उसके मुताबिक हमें विश्वास करते हुए अपना जीवन जीना है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रभु से यह कृपा मांगें, यह अनुग्रह मांगें कि प्रभु हमें उसके आज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए, उसके मुताबिक हमें जीवन जीने के लिए अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।